हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिट्टू साउंड में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पीकर का सीरीज वायरिंग कैसा होता है और पैरेलल वायरिंग कैसे किया जाता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सीरीज वायरिंग है, जिसमें एक ही स्पीकर का जो माइनस वाला वायर है वो दूसरे स्पीकर के प्लस से कनेक्ट हो जाता है, और ये जो बचता है दूसरे स्पीकर का माइनस वाला वायर और पहले स्पीकर का प्लस वाला वायर, ये जो प्लस वाला वायर है ये एम्पलीफायर के प्लस वायर में कनेक्ट हो जाता है, और जो दूसरे स्पीकर का माइनस जो बचता है वो एम्पलीफायर के माइनस में कनेक्ट हो जाता है। और इसमें डिफरेंस यह होता है कि जैसे अभी 8 ओम्स का दो स्पीकर है, इसको सीरीज करने से ये जुड़ जाता है, इनके ओम्स जुड़ जाते हैं, मतलब ये 8 ओम्स का हुआ और ये 8 ओम्स का हुआ, मतलब ये हो गया 16 ओम्स। और पैरेलल वायरिंग में कैसे होता है आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो वायर देख रहे हैं ये पैरेलल वायरिंग है, इसमें एक स्पीकर का प्लस दूसरे स्पीकर के प्लस से कनेक्ट हो जाता है और पहले स्पीकर का माइनस दूसरे स्पीकर के माइनस से कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये माइनस से माइनस जुड़ गया और ये प्लस से प्लस जुड़ गया, और ये प्लस एम्पलीफायर के प्लस से जुड़ जाता है, और ये माइनस वाला वायर माइनस से जुड़ जाता है। इससे क्या होता है आपको बताता हूँ। इससे पहले वाले स्पीकर दूसरे वाले स्पीकर दोनों 8 ओम्स के हैं, इससे दोनों का ओम्स एक का आधा हो जाता है, यानी यदि एक एक स्पीकर 8 ओम्स का है तो उसका आधा हो जाता है दोनों को कनेक्ट करने में, यानी 4 ओम्स हो जाता है। तो ऐसे वायरिंग में आप एम्पलीफायर के 4 ओम्स में कनेक्ट करते हैं उसके प्लस वाले वायर को, और सीरीज़ वायरिंग में दोनों का ओम्स जुड़ जाता है, यानी ये 8 ओम्स का हुआ और ये 8 ओम्स का हुआ, तो सीरीज वायरिंग में ये 16 ओम्स का हो जाता है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ज़्यादातर पैरेलल वायरिंग कीजिए आप, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा आपको। सीरीज वायरिंग बहुत ही कम यूज़ होता है, छोटे स्पीकरों के लिए सीरीज वायरिंग बेटर है, जैसे ड्राइवर यूनिट के लिए। तो बस गाइस, वीडियो में बस इतना ही, आई होप को आपको समझ आया होगा ये वायरिंग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।